नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबेता। तो दिल्ली के दिल में आप है, तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, तो जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तो अब तक 227 वार्ड के 250 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं, तो आपकी 121, बीजेपी की 97 वार्ड पर जीत, कांग्रेस की 7 वार्ड पर जीत है, तो अन्य की 2 वार्ड पर जीत सामने आई है। तो एमसीडी चुनाव में वसंत कुंज पे बीजेपी के जगमोहन महलावत की जीत हुई है। तो पहाड़गंज की अगर बात की जाए तो पहाड़गंज से बीजेपी के मनीष चड्डा की जीत हुई है। तो दिलशाद कॉलोनी से आम आदमी पार्टी की प्रीति की जीत हुई है। तो अशोक विहार से बीजेपी की पूनम शर्मा ने जीत हासिल की है। तो सदर बाजार से आम आदमी पार्टी की उषा शर्मा की जीत हुई है। तो अगर करोल बाग की बात की जाए तो करोल बाग से आम आदमी पार्टी की उर्मिला देवी की जीत हुई है। तो मैरोली से आम आदमी पार्टी की रेखा महेंद्र चौधरी ने जीत हासिल की है। तो प्रीत विहार से बीजेपी के रमेश गर्ग की जीत हुई है। तो ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा रॉय की जीत हुई है। तो वहीं रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। तो नतीजे अभी आने बाकी है, तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि एमसीडी में कौन काबिज होने वाला है, किसका मेयर एमसीडी में काबिज होगा, किस पार्टी का मेयर एमसीडी के मेयर की सीट पर बैठेगा। तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, तो जीत का जश्न मनाते हुए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम अलग अलग जगह की। तो तस्वीरें सामने आई है, कार्यकर्ता नाचते थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ढोलक की थाप और पैर की थिरकाहट दोनों ही नजर आ रही है, काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है। तो रुझानों की अगर बात की जाए तो रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, हालांकि अभी नतीजे आने बाकी हैं। तो जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं और कितना ज्यादा उत्साह, कितनी ज्यादा खुशी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में काबिज थी, वहीं अब जो है 15 साल से जो बीजेपी काबिज थी, तो अब आम आदमी पार्टी काबिज होने वाली है क्योंकि बहुमत उनको मिल चुका है। तो रुझानों के मुताबिक तो वही यही है, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तो प्रियंका राणा राजनीतिक विशेषज्ञ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। तो वहीं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, केसी जैन जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। तो प्रियंका राणा आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रुझान नजर आए हैं, बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सकते हैं कि दिल्ली वालों को सफाई पसंद है और बाहरी श्रेय जो अब दिया गया है आप पार्टी की तरफ से वो महिलाओं को दिया गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो 250 में से 138 जो सीटें हैं, इवन आपने 50% जो आपका आरक्षित सीट है उनको भी पार करते हुए उन्होंने जो आरक्षित नहीं थी महिलाओं को टिकट दिया गया है। जी पंकज अवाना भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता है। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में, काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। खुशी का माहौल है आज, पूरी दिल्ली हमारी जश्न मना रही है आज। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से जश्न मन रहा है। दिल्ली के अंदर आज सच्चाई की जीत हुई है, लोगों में उत्साह है। 15 साल के शासन को लोगों ने चूर चूर कर दिया। एक आम आदमी पार्टी ने अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को मौका दिया। तो प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, क्योंकि आपके पास आना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास रच रहे हैं, इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि काफी समय से ये संघर्ष जारी था और अब ये संघर्ष खत्म हो चुका है, कहाँ पे लगता है बीजेपी की चूक हुई है? 15 साल से काम करने के लिए विश्वास जताया गया था दिल्ली की जनता की तरफ से, लेकिन जो कूड़े के पहाड़ हैं, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि जो सफाई का मुद्दा है एमसीडी में, जो लोकल मुद्दे होते हैं, सफाई, आपका मोहल्ला क्लिनिक छोड़े गए, ये सब चीजें जो है लोग देख रहे थे। आप चाहे कतरीन की वीडियो वायरल कर रही थी, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम और वो जो कूड़े के पहाड़ है उनसे त्रस्त आकर के वो चाहते हैं कि दिल्ली में सफाई हो, और इसीलिए अभी आप देखिए, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी जो दी गई है महिलाओं को दी है, क्योंकि
मेरे ख्याल से दिल्ली वालों को ये लगा कि महिलाएं इस काम को बेहतर कर सकती हैं, तभी 138 सीट पे महिलाओं को टिकट दिया गया। और आम आदमी पार्टी पहली पार्टी, अभी इतिहास की बात कर रहे थे तो ये भी इतिहास है कि 50% जो आरक्षित सीट है उनको भी पास करते थे, उससे ज्यादा सीट जो आरक्षित नहीं थी वहां पे भी महिलाओं को लड़ाया गया। और दिल्ली वालों को शायद यही बात पसंद आई और उन्होंने विश्वास जताया और अब पूरा मौका दिया है आम आदमी पार्टी को कि वो अपनी जो वादे किए हैं उन पर अमल करें और दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाने में पूरी तरह से अपना योगदान दें। बिल्कुल, केसी जैन भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सर, रुझान के मुताबिक आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, कहाँ चूक रह गई बीजेपी के? देखिए बात तो जनता पार्टी हर एक इलेक्शन को पूरी जिद्दी के साथ लड़ती है और जनता का वो भी जनादेश होता है इसका भक्तिपा। देखिए क्या होता है कि अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, अन्य 5 राज्यों के चुनाव हुए और जब कांग्रेस पंजाब हार गई तो कांग्रेस कहने लगी कि नहीं, ईवीएम में गड़बड़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी मिले हुए थे इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई, जबकि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती। और अभी जो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं, अन्य राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है। तो देखिए जनता का जनादेश है, जनता के जनादेश को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए जो भी जनता का जनादेश है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। और लेकिन होता क्या है कि अभी यही अगर चुनाव दूसरी पार्टियां जब हार जाती है तो उसका ठीकरा चुनाव आयोग पे, ईवीएम मशीन पे और तमाम सारी चीजों पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। कांग्रेस को तो अभी तक 5 की 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हार गई उसको अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है, लोकसभा चुनाव हार गए उसको अभी तक नहीं स्वीकार कर रही है, जबकि अगला लोकसभा चुनाव आने की बारी आ गई है। तो देखिए कभी कभी ये भी होता है, एंटी कैंपेनिंग भी होती है और ऐसा नहीं है कि हमारी सीटें बहुत ज्यादा कम हुई है। और ये अलग बात है कि अगर वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जीतती है तो उसको बधाई, लेकिन अभी जब तक केसी जैन जी क्या लगता है आम आदमी पार्टी बना लेगी सरकार, फिर क्या लगता है एमसीडी में इस बार उनका ही मेयर बैठेगा? नहीं नहीं, देखिए जब तक अभी तो रुझान आ रहे हैं और जब तक लेकिन सर कॉन्फिडेंस आपके आवाज में नहीं नजर आ रहा है, जो मनोज तिवारी जी के आवाज में नजर आ रहा था वो कॉन्फिडेंस आपके आवाज में नजर नहीं आ रहा है, क्या लगता है? बात कॉन्फिडेंस और बात कॉन्फिडेंस की नहीं होती। देखिए जो चीजें जनता का जो जनादेश है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने अगर पंजाब में हारी उसको भी स्वीकार किया, 4 राज्यों में उसको भी स्वीकार किया, लेकिन इस हार और जीत के बीच में जब जनता को लेकर के जनता क्यों बात हो सकते हैं कि नहीं आप बेमारी से जीत गए, आपने घोटाला कर दिया इसलिए जीत गए, आपने ईवीएम में गड़बड़ कर दी इसलिए जीत गए। जनता पार्टी इस तरीके के कोई आरोप नहीं लगाने वाली। और दूसरी चीज हम एक और है कि जिस प्रकार से अन्य पार्टियां आरोप लगाती रही है दूसरी जगह पे जीतने पर हारने पर, तो उनको भी सबक कहना चाहिए। पंकज जी सीधे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ईवीएम को लेकर ज्यादातर शिकायतें तो आपकी तरफ से ही आती है, इस बार नहीं बोले आपकी ईवीएम खराब है या ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है? क्या नहीं करता, आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बौखलाया हुआ है, जो परिणाम उन्होंने देखे, जो जनता ने पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने दिल्ली के अंदर एमसीडी में जा रही है, पिछले 15 साल से आप मुझे बताइए कि जनता ने एनसीडी में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, अगर नहीं दिया होता तो बात अलग है, उन्होंने पूरा मौका दिया, लेकिन 15 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एक काम गिना दे उन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के लिए किया, कूड़े के पार इन लोगों ने खड़े किए। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली में हमारे बाहर के देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन दिल्ली की गंदी हालत ये उसका जो है मैं इसका श्रेय दूंगा भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, क्योंकि 15 साल से लोग बैठे हुए हैं, जाति धर्म की राजनीति कब तक करेंगे आप लोग? अब जनता जाग चुकी है, अब जो चुनाव हुआ जनता ने मुंह की इनको पता, इनके मुंह पे वोट दे के दिखाया इनको। केसी जैन जी धर्म की राजनीति कह रहे हैं, धर्म की राजनीति काम नहीं आई इस बार, इन्होंने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, ऑपरेशन लोटस इन्होंने चलाया,
सतेंद्र जैन की वीडियो आए थे ये लोग चलाते रहे, मनीष सिसोदिया जी से शराब नीति को लेकर इन्होंने आरोप लगाया, लेकिन सब लोगों ने खारिज कर दिया। उन्होंने मन बना लिया कि वोट देना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और झाड़ू को देना है। केसी जैन जी, क्योंकि 15 साल से काबिज है बीजेपी और कह रहे हैं, जिस तरह से पंकज जी को हमने सुना वो सीधे तौर पे कह रहे हैं धर्म की राजनीति यहाँ काम नहीं आई, और इसी बीच में बीजेपी ने भी कई वीडियो भी जारी किए थे सत्येंद्र जैन को लेकर, कई वीडियो जारी हुए थे, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार का कई आरोप भी लगाया गया बीजेपी द्वारा, लेकिन फिर भी रिजल्ट कुछ और ही कह रहे हैं, रुझान कुछ और ही कह रहे हैं। अगर पांच जैसे चार राज्यों में आम आदमी पार्टी हार गई, उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई, तो इसको क्या कहेंगे? 35 साल के बाद अगर किसी पार्टी ने रिपीट किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रिपीट किया है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? लेकिन जिस प्रकार से इसकी भाषा फैली है कि भाजपा के लोग फलाहट में है, ये वो क्या क्रूर और घमंड एक चुनाव जीत जाने पर? अरे हम तो पूरे देश में हमको सरकार बनाए, पूरे देश के कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात में 27 साल से है, अगले 5 साल के लिए फिर जनता ने हमको चुना है, फिर अभी रिजल्ट आने वाला है उसका तो। और अभी एक छोटे से चुनाव को लेकर के अगर इतनी बौखलाहट, सर इतना छोटा सा चुनाव, अगर ये इतना ही छोटा चुनाव था, अगर इतना ही छोटा चुनाव था तो इतने सारे स्टार प्रचारक, इतने बड़े बड़े चेहरे क्यों उतार दिए गए दिल्ली में? इतने अगर छोटा चुनाव था तो दिल्ली में इतने बड़े बड़े चेहरे क्यों? 17 कैबिनेट लगाए, सैकड़ों सांसद इन्होंने लगा दिए दिल्ली के अंदर, और ये छोटे का चुनाव बता रहे हैं, इनको और पार्टी चाहिए इतने बड़े चेहरे एक एक करके, क्योंकि इस पर समझ में जी केसी जैन जी, क्योंकि अगर छोटा चुनाव था तो फिर इतने बड़े बड़े चेहरे क्यों लगा दिए गए? सीएम धामी आ गए, सीएम योगी आदित्यनाथ तक को पहुंचा दिया, अगर इतना ही छोटा चुनाव था इतने बड़े बड़े चेहरे क्यों फिर? 17 कैबिनेट मंत्री इन लोगों ने लगाए। अब दूसरी चीज करें, अगर एक प्रदेश का चुनाव हो, सामने 4 प्रदेशों का चुनाव हो, और उसके बाद सीडी का चुनाव हो, उसकी तुलना में तुमसे क्या कहेंगे? अगर हम 4 राज्यों में चुनाव इसके पहले जीते, जो सरकार बनाने जा रही है उसके आगे इसको क्या कहेंगे? 6 राज्यों की तुलना में अगर एक सर, सबसे बड़ी बात केसी जैन जी, सबसे बड़ी बात 15 साल से आप काबिज, 15 साल से आप काबिज, और उसके बाद जनता जो है अचानक से आपको हटाती, कारण क्या है? आपके अंत की शुरुआत हो चुकी है, अब आगे आप देखिएगा। अरे रिजल्ट तो आ जाने दीजिए, रिजल्ट आ गया, मैं आपको भी बता देता हूँ उसके बारे में क्या कहेंगे अभी बबीता जी। मैं अभी इनके जो आदेश गुंडा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लाइव देख रहा था, पता है क्या कहा उन्होंने? कहा चाहे हमारी सीटें आए ना आए, मेयर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? खरीद कैसे तोड़ के लाए 500 को हम लोग? पंकज जी वैसे वादे तो बहुत किए गए हैं, पंकज जी वादे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन अगर वादों पे भी देखा जाए, क्योंकि पराली का हमेशा से ही मुद्दा उठता रहा है, लेकिन पराली का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। वादे तो अक्सर किए जाते हैं पार्टी द्वारा, लेकिन हमेशा पिस्ता हमेशा जनता ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में जाके जो वादे किए, जनता ने आम आदमी पार्टी ने भली भांति उनको पूरा किया, तभी जनता विश्वास आम आदमी पार्टी में जता रही है। दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार बनाई, पंजाब के अंदर हम लोगों को उन्होंने सरकार बनाने का मौका दिया, एमसीडी में हम लोगों की सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं तो पंजाब में अगर आपको मौका मिला तो पराली का मुद्दा तो अभी तक खत्म नहीं हो पाया है, पोल्यूशन तो अभी भी हो रहा है। बबीता जी, सारे मुद्दे खत्म हो गए, इन लोगों ने गंध मचा रखी है, सिर्फ काफी टाइम से जब से देश आजाद हुआ ये लोग देश को शासन करते आ रहे हैं, लोग शासन करते आ रहे हैं, ठीक है। इसी बीच में जी अभी मैं दोबारा आपके साथ चर्चा करूंगी, तो एमसीडी में हुई जीत पर क्या कुछ कहना है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का, आपको भी सुनाते हैं। साथी साहब, अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। संजय जी, बीजेपी कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे, पार्टी ने हराया। और साथ ही साथ
तो वही नतीजों पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए क्या है, मेहनत करना हमारा काम है और हम लोगों ने मेहनत किया और जनता जनार्दन के हाथ में फैसला होता है, वो जो फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर होना चाहिए और हमको सब मंजूर है। हाँ नहीं तो देखिए, अभी जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि हम लोगों को कहीं भी स्थान नहीं रहेगा, वहाँ इतना अच्छा किए, काफ़ी मतलब उम्मीद से भी बढ़िया प्रदर्शन रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए जी, जिसको जनता चुनती है उसको सबको बधाई देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें अच्छे तरह से एक्सपोज हो जाएंगे कि विधानसभा में खोखले वादे करके कुछ किए नहीं, अब एमसीडी में भी जो वादे किए हैं जनता से, मुझे लगता है कि वो पूरा कर नहीं पाएंगे और पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए तो ऐसे भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। थोड़ा सा इंतजार करिए, दुनिया की सबसे छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को दिल्ली के चुनाव में हरा दिया। सामने देखो, आम आदमी पार्टी का मेयर बनने वाला है। दिल्ली के लोगों ने भरपूर प्यार आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया है और जैसे दिल्ली सरकार में सेवाएं देने, दिल्ली सरकार को चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को दी, वैसे ही इस बार नगर निगम की जिम्मेदारी भी पहली बार आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को मिलने जा रही है। देखिए, नगर निगम की एमसीडी की कानूनी और प्राथमिक जिम्मेदारी होती है साफ सफाई, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, दिल्ली को सुंदर बनाएं, दिल्ली से कूड़ा हटाएं, दिल्ली को गंदगी और मलबा मुक्त बनाएं, उन मुद्दों पर दिल्ली के लोगों ने वोट दिया और पिछले 15 सालों में इन लोगों ने दिल्ली को इतना गंदा कर दिया कि लोग अब बीजेपी से मुक्ति चाहते। तो वही इसी बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। परिणाम मन मुताबिक इसलिए नहीं है कि 15 साल की एंटीनमेंसी होने के बाद ये देखिए ना, लोगों को लगने लगता है ये केजरीवाल साहब के खिलाफ भी मेंट है, ये मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि राज्य सरकार जहाँ होती है वहाँ का निकाय और वहाँ का पंचायत अगर उस सरकार के फेवर में धक्के मार मार के आए, बीजेपी बराबर में खड़ी हुई है, तो इसका मतलब उस मुख्यमंत्री को, सरकार को जनता ने नकारा है। देश का इतिहास उठाइए आप, जहाँ नकाय होती है, निकाय और पंचायत हमेशा राज्य सरकार के अनुकूल आती है। लोगों को लगता है सफाई करनी है, नाली बनानी है, खरंजा बनाना है, गली मोहल्ले ठीक करने, तो राज्य सरकार पैसा देगी तभी तो डेवलपमेंट होगा ना। पिछली बार 182 इसलिए आए थे कि लोगों को लगा होगा कि जैसे ही केजरीवाल साहब आए थे तो केजरीवाल ने स्टार्टिंग में ही झूठ बोलना शुरू कर दिया था, तो लोगों ने उनको नकार दिया। दोबारा जब केजरीवाल साहब आए थे तो लोग ये कहकर आए, मुझे काम नहीं करने दिया, काम नहीं करने, लोगों ने कहा चलो इसको मौका और दे दो, लेकिन केजरीवाल साहब को लोगों ने नकारा है। वोट परसेंटेज भी आप देखिए, जो 2015 में था वो 2020 में नहीं था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का देखिए, 282 सीट से 302 पे मोदी के नेतृत्व में सीट आई थी बीजेपी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्वाभाविक है, चुनाव लड़ने से पहले अगर हम ये कहेंगे कि तो वही इसको लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ईमानदारी की कस्में खाते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई सर, इतने और जो रिजल्ट आया जिस तरह से एग्जिट पे, और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और आज भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छी, हम 15 साल से शासन में और हमने अच्छा काम किया। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तो पंकज अवाना जी से सीधे सीधे बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता है। तो पंकज जी, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने बयान सुने हैं बीजेपी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो झूठ सीएम अरविंद केजरीवाल परोसते आए थे, तो पिछली बार जो जनता थी उन्होंने उन्हें नकार दिया था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार है, साफ सफाई करवा देगी, तो इसलिए आप लोगों को चुना गया है। आम आदमी पार्टी में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कुछ ना कुछ गाल गलौज के लोग करते रहते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करना पसंद करते हैं जी। 8 साल में दिल्ली के अंदर वो काम किए जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कभी किसी ने सबसे भी नहीं सोचा होगा कि बिजली मुफ्त हो सकती है, अच्छे स्कूल बन सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल अस्पताल बन सकते हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुक्त हो सकती है, बुजुर्गों के लिए 30 यात्रा योजना हो सकती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने 8 साल में करके दिखाया,
जनता को विश्वास हुआ कि यही वो शख्स है जो आम जनता के बारे में सोचता है, जो आम लोगों के बारे में सोचते हैं। केसी जैन जी, जो पंकज जी कह रहे हैं उससे कितना वाकिफ हैं आप? कितना लगता है आपको सही कह रहे हैं, कितना गलत? प्रियंका जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से रुझान बता रहे हैं, बहुमत मिल गया है आम आदमी पार्टी को, क्या लगता है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी काबिज है, और क्या लगता है कहां पर चूक हुई है बीजेपी से, कौन से तो बड़े मुद्दे थे जो बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गए थे? जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं काम में कमी रही है, और ये दर्शाता भी है, आप एनसीआर किधर से भी एंटर कीजिए आपको पूरी से बाहर दिखाई देंगे, और ये मुद्दा हर बार उठाया गया, आप मूलभूत समस्याओं से अच्छे के दूसरे मुद्दे उठाएंगे, और जो लोगों की एक्चुअल परेशानियां हैं उनके ऊपर आप बात नहीं करेंगे, तो जनता कब तक आप पर विश्वास करेगी? तो मेरे ख्याल से इस बार जनता ने जो काम करने वाली पार्टी है उसको चुन करके बीजेपी को शायद ये बताया है कि काम करने में ज्यादा भलाई है, ना कि दूसरे जो आपके आलतू फालतू जो मुद्दे हैं, चाहे आपको सत्येंद्र जैन जी ले लीजिए, आप वीडियो वायरल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी जो वोट है वो काम पर ही पड़ेगी, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो जनता आपको नकार भी देगी। ये बात मेरे बिल्कुल डराई नहीं है कि हाँ बीजेपी बहुत ही स्ट्रांगली, अभी जो जैन साहब बोल रहे थे कि बीजेपी कभी नहीं मानती है किसी भी इलेक्शन को छोटा, उससे बड़े बड़े नेता यदि फील हो सकते हैं और जी जान लगा देते हैं, उनकी हार हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, और मुझे लगता है इन लोगों को होमवर्क करना चाहिए, आगे आने वाले समय में अगर मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है जनता भी हार करेगी। तो अभी तो यही लगता है कि जनता ने सफाई का मुद्दा जो है वो पकड़ के आम आदमी पार्टी को बोल दिया है, स्वीकार करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों के जो डिसीजन आया है, और आगे क्या इससे बेहतर हो सकता है, किस तरह से क्या काम कर सकते हैं उतने सहयोग देना चाहिए, ना कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है उसको छोड़ करके अपना जो अहंकार है उसको क्या देना चाहिए हर किसी पार्टी को, बिल्कुल जो कमियां आत्मंथन करे बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि केसी जैन जी, क्या लगता है सफाई का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था वहां पर, इसीलिए आपकी हार हुई है या और भी अन्य मुद्दे थे? क्योंकि जिस तरह से एमसीडी में भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता ने आप लोगों को नकार दिया है। और इस बात पे आम आदमी पार्टी के साथी जो बैठे हैं वो कह रहे हैं भाजपा के लोग बोल जाए, अरे मतलब आप जीत को जो भी पढ़ा उसको स्वीकार करना भी फैसला नहीं था, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके अंदर कुकुर और भवन जो भरा हुआ है वही इनके विराट का कारण बनेगा, और रही बात झूठ की तो झूठ कौन बोल रहा है पूरी जनता अच्छी तरीके से जानती है। अभी प्रियंका जी ने एक दिन और किया तो सर झूठ बोल रहा था, तो आपने भी तो हकीकत नहीं करके दिखाया ना, साफ सफाई का मुद्दा तो अभी भी मुद्दा ही बना हुआ है, उन्होंने झूठ परोसा तो आप लोगों ने कोई तो हकीकत कर दिया है, यानी आप मान रहे हैं कि जनता आम आदमी पार्टी को ही लेके आने वाली है, यानी आप मान रहे हैं? अभी आपने बोला था रुझान सामने आए रिजल्ट के, अभी इंतजार कीजिए, लेकिन अभी तो आपके आवाज से लग रहा है कि आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के ही लोग जो है काबिज होने वाले एमसीडी में। अगर कोई जनता को भी ऐसा तो है नहीं कि हमको रियल सारे बहुत समय बाकी है, तो अगर उसको स्वीकार कर लेने में जो भी जनता को बना देते हैं उसको स्वीकार कर लेने में भारतीय जनता पार्टी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ अन्य पार्टियां जब हारती है तो लोगों को खतरे में आ जाता है, अन्य पार्टियां जब हारती है तो मशीन में कमरी हो जाती है, अन्य पार्टियां जब हारती है कांग्रेस के शासन उनके विपक्ष में काम करने लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर हो सकता है कुछ कमी रही हो, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि उसकी तरफ भी देखना चाहिए, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तो यानी आपको लगता है कमी रही थी, यानी आपको लगता है कमी हुई है बीजेपी की तरफ से, तो अपनी कमियों में बदल करेगी।
तो यानी आपको लगता है बीजेपी की तरफ से कमी रही थी, काम नहीं हो पाया? अगर अगर इस चीज को नकार दिया जाए, कमी और अच्छाई का अच्छाई की दो माए, एक तो ये कि अपनी बात को क्या अच्छी तरीके से रख पा रहे, दूसरा ये कुछ कमियां हो सकती, लेकिन हर एक सभासद, हर एक जो एमसीडी का मेंबर है वो अपने अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहा है, उन सारी चीजों का नजर पड़ता है। और एक चीज कि काम कितना भी अच्छा हो, कितना भी खराब हो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एंटी कैपेसिटी भी होती है, एक बार किसी और को भी उनके देखा जाए, ये भी परिणाम कही गई। ठीक ठीक है, कि जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, ऐसा चलिए रुझान आ गए हैं, बहुमत में है आप आम आदमी पार्टी, और अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या कुछ बयां करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आम आदमी पार्टी तो बहुमत में आगे पहुंच गई है, रुझान तो यही कह रहे हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि अभी रिजल्ट आना बाकी है, यानी कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अब देखते हैं पिक्चर क्या कुछ बयां करती है। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।